Hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School students. In today's lecture, we are going to discuss about noun. This is the first topic of English grammar. Correct? So, who is going to tell me about noun first? कि नाउन क्या होता है? Yes, Divya, please answer. मैम, the name of a person, place, animal or thing is known is called noun, and there are many kinds of noun like proper noun, common noun, abstract noun, collective noun and material noun. Good, very good, Divya, well done. So as Divya told us कि वे नाउन क्या होता है. नाउन मींस नेम, राइट? नेम किसका? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ. ऐसी हर वो चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, दे ऑल आर नाउन, कॉज जो भी चीज अभी आपकी आपके सामने भी है, अपनी आपके सराउंडिंग में है, आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो बड़े आराम से. एंड हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग देम? बाय देयर नेम्स. सो दे आर नाउन. लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर आइडेंटिफाइंग मी. हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग मी? बाय माय नेम्स ना, मेरे नाम से. कि मैं श्वेता शर्मा हूं, राइट? ओके, आप मुझे मेरे नाम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है? आपके सराउंडिंग में चीजें हैं, आप उनको देख रहे हो, आप उनके नाम से उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. जिस चीज को भी आप उसके नाम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जिस भी चीज के बारे में आप सोच पा रहे हो, दे ऑल थिंग्स आर नाउन बच्ची. एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, एनीथिंग दैट यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, दे ऑल आर नाउन. सो इट इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल विच यू कैन से कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन. नो, Anything in the universe which we can think of is a noun, right? So in simple word we can say that noun are the naming words. Noun क्या है? Naming words है, correct है, जिनको आप identify कर सकते हो. Like मानव, here is an example. मानव is the name of a boy. मानव is a noun, name of a boy. Boy itself is a noun. Girl, noun. Jelly, noun. Tree, pen, paper, pencil, bag. आपके सामने, आप जिस रूम में बैठे हो, जहां बैठे हो, जितनी भी चीजें देख पा रहे हो, दे ऑल आर नाउन. इवन यू आर नाउन, आई एम नाउन, हमारे मम्मी पापा नाउन है, हमारे घर में पड़ी हर चीज नाउन है, जिसको आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, सोच पा रहे हो, जिसके बारे में, हर चीज के बारे में तो हम उसको नाम से जानते हैं. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको उसके नाम से हम उसे नहीं जानते, और जिसका नाम नहीं ले पा रहे उसे हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, राइट? एनीथिंग दैट वी हैव इज अ नाउन, राइट? द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज क्लियर टू यू और नॉट? यस प्लीज. इफ यस, देन यू आर गोइंग टू शो मी थंब साइन लाइक दिस, करेक्ट? एंड इफ यू हैव एनी डाउट, देन प्लीज रेज योर हैंड लाइक दिस. Correct? Clear? Okay. So let's start discussing the first type of noun, which is, sorry, type of noun. First of all, let's check कर लेते कौन कौन से noun है हमारे पास. The first is common noun, then proper noun, then collective noun, abstract noun, concrete noun, material noun, countable noun and uncountable noun. Got it? Let's discuss the first type, which is common noun. कॉमन नाउन, क्रैम नहीं करना हमने, ठीक है? एज द नेम सजेस्टेड, कॉमन मीन्स जनरल. कॉमन मीन्स जनरल, विच इज नॉट स्पेसिफिक. मीन्स नाउन मीन्स नेम, यानी कि किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग को एक जनरल सेंस में नाम दे देना. ऐसा नाम विच वी कैन शेयर बाय ऑल, ऐसा नाम जो हर किसी के साथ शेयर किया जा सके. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्लास में हमारे पास लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ठीक है? बट क्या मैं जितने भी लड़के हैं
पूरे वर्ल्ड में, क्या मैं सबको लक्ष्य कह सकती हूं? यस, सभी लड़कों को लक्ष्य कह सकती हूं मैं? यस लक्ष्य, जितने भी लड़के क्लास में हैं या सराउंडिंग में हमारे रहते हैं ये पूरे वर्ल्ड में, सबको हम लड़का कह सकते, लक्ष्य कह सकते? नो, व्हाट वी कॉल देम, बॉय. बॉय इज अ नेम जो हमने पूरी कैटेगरी को जनरल सेंस में दे दिया, और ऐसा नाम जो हर किसी का साथ शेयर किया जा सकता है. लक्ष्य तो हर एक का नाम नहीं हो सकता, पर हर लड़के को हम बॉय जरूर कह सकते हैं. सिमिलरली हम हर लड़की को नव्या नहीं कह सकते, बट हर लड़की को गर्ल जरूर कह सकते हैं. सो गर्ल हेयर इज अ कॉमन नाउन विच वी कैन शेयर बाय ऑल, राइट? ऐसा नाम जो उस कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के साथ शेयर किया जा सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन. लाइक आप सब अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, राइट? कॉमन नाम क्या है? सिटी. आगे का तो बहुत कुछ है. कॉमन नाम क्या है आपके हर शहर को? हम जनरल नाम क्या देते हैं? सिटी. कोई अंबाला से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई स्टेट, कोई अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से है, सबका अलग अलग नाम है. बट कॉमन नाउन क्या है? विलेज, सिटी, कंट्री. देखो हर देश का अपना नाम है, बट कॉमन नेम कंट्री, ठीक है? करेक्ट. ऐसा नाम जो सबके साथ शेयर किया जा सके, नोन एज कॉमन नाउन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर. इन दिस सेंटेंस क्लास इज अ कॉमन नाउन, cause here we are not mentioning which class is studying grammar. I am not saying any particular name. General sense mein bata rahi hu, class is studying grammar. Class is a common name. Okay, the nearest town is 60 miles away. I am not telling you here which town is 60 miles away. No, I said nearest town is 60 miles away. Right? So town here is common noun. किसी भी शहर को, किसी भी कस्बे को हम टाउन बोल सकते हैं. शी इज द गुड गर्ल, हर लड़की को हम गर्ल बोल सकते हैं. दिस इज अ नेम विच वी कैन शेयर विद ऑल, राइट? जिसको हर एक के साथ शेयर किया जा सकता है, करेक्ट? अब आपको टीचर तो बहुत पढ़ाते हैं, अब हर टीचर को आप श्वेता तो नहीं कह सकते, करेक्ट है? सबका अपना नाम है. कॉमन क्या है हमें? टीचर, राइट? Correct. So this is a name which we can share with each other. हर एक के साथ हम कर सकते हैं share ऐसा नाम. Correct. तो common noun क्या है? Common name of a person, place or thing in a general sense जो नाम देते हैं, which we can share with all. ठीक है? Correct. Clear है? Okay. So I'll give the chance to Lakshya. Lakshya बोलो. मैम प्रॉपर नाउन, मैम जैसे किसी का नाम, मैम हाँ. जैसे कि अभी आपने कॉमन नाउन में बोला कि हम हर कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, वो लड़का हो सकता है, वैसे मैम प्रॉपर नाउन में हर एक चीज का एक एक नाम होता है. हाँ, गुड. सो वी कैन से दैट कि बेड इज अ कॉमन नाउन. सो बट अगर बेड को स्पेसिफिक नाम है उसका, कुछ कोई ब्रांड का है, तो प्रॉपर नाउन हो जाता है. सो पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन. मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, डोंट वरी, ठीक है? सो ऐसे हम नाम से तक क्लियर करें, तो प्रॉपर मींस क्या हो गया? पर्टिकुलर से नाम से क्लियर कर सकते. यस, पर्टिकुलर नाउन मींस नेम, पर्टिकुलर मींस स्पेसिफिक, है ना? किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का पर्टिकुलर नेम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. जैसे अब हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हो, सबका अपना एक नाम है, राइट? सो यू ऑल आर प्रॉपर नाउन. सब अपनी एक एक सिटी में रह रहे हो, आपकी सिटी का एक प्रॉपर नाउन है, नेम है, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. ओके, हम एक कंट्री में रहते हैं, इसका एक नाम है इंडिया. सो इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, राइट? सभी अपने लैपटॉप और फोन से क्लासेस लगा रहे हो, सबके अपने अपने एक ब्रांड है, नाम है उनका, यस मैम, प्रॉपर नाउन, यस मैम. तो एनीथिंग जिसका एक पर्टिकुलर नेम है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, करेक्ट? यस मैम. क्लियर है ये चीज? वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज, ओके?
whenever we are going to mention proper noun in a sentence, बच्चे, ठीक है? Keep in mind, उसको capital letter से start करेंगे. ये punctuation में बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, क्योंकि at your level punctuation mark भी आता है. So whenever we are going to write the proper noun in the middle of the sentence or beginning में अगर लिख रहे हैं, ठीक है, या कहाँ भी, तो जो बिगनिंग है ना वर्ड की, वो कैपिटल से स्टार्ट करना. लाइक इन दिस सेंटेंस, जवाहरलाल नेहरू वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इन दिस सेंटेंस जवाहरलाल नेहरू इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, सो ही इज अ प्रॉपर नाउन. इंडिया इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ कंट्री, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन अगेन. इन दिस सेंटेंस इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो इंडिया हेयर इज अ प्रॉपर नाउन, करेक्ट. हरी इज अ गुड बॉय, इन दिस सेंटेंस हरी इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन अगेन, so it's a proper noun, right? आपको एग्जाम में कैसे आता है, आपको अंडरलाइन करके आता है, they'll ask कि which type of a noun it is, so आप identify कर सकते हो ये common है, ये proper है, ये कौन सा है. then second हमें कौन सा तरीका आता है, हमें gap filling आती है. third हमें आता है error. तो common noun के बारे में एक चीज बताना रह गया, please आप लिख लीजिए ये चीज, note it down. कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर, कैन बी प्लूरल, ठीक है, नोट इट डाउन. कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर, कैन बी प्लूरल, एंड वी कैन यूज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विद द कॉमन नाउन, राइट. मैं दोबारा से बोल रही हूं, प्लीज. कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर, कैन बी प्लूरल, ठीक है. वी आर गोइंग टू यूज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल विद द कॉमन नाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है. जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा, इफ आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इफ आर सब्जेक्ट इज प्लूरल वी आर गोइंग टू यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. लाइक बॉय इज अ कॉमन नाउन एंड इट इज सिंगुलर, सो बॉय इज. पर अगर हम बात कर रहे हैं बॉयज की, तो क्या करेंगे, बॉयज आर, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू यूज ऑक्सिलरी, क्लियर है, क्लियर है. कैन यू से इट अगेन, यस प्लीज लिख लीजिए. कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर, कैन बी प्लूरल, वी आर गोइंग टू यूज, we are going to use helping verb according to the subject, ठीक है. we are going to use helping verb according to the subject, if our subject is singular, so we'll use singular helping verb, if our subject is plural, we are going to use plural helping verb, ठीक है, done है, okay. चलो कॉमन नाउन पे बढ़े, तरीका था फिर से थम्स अप की जगह हैंड रेस, चलो नेक्स्ट चलते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? यस अदिति. मैम किसी चीज का जब झुंड होता है मैम, एक से ज्यादा प्लूरल होते हैं, तब हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. मैम एग्जांपल, मैम अ क्लाउन ऑफ, मैम अ क्लाउन ऑफ शीप आर ग्राजिंग. ग्राजिंग, ठीक है. अ क्राउड ऑफ पीपल आर टॉकिंग. क्राउड अपने आप में कलेक्टिव नाउन, क्राउड ऑफ पीपल कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती. क्राउड इटसेल्फ इज अ कलेक्टिव नाउन, राइट. क्राउड, मॉब, दिस ऑल आर इटसेल्फ कलेक्टिव नाउन, राइट. क्राउड हम एक इंसान को तो कहते नहीं, जब भीड़ होगी तो ही क्राउड कहेंगे, राइट. फ्लावर बुके, यस यस, ये है, बिल्कुल गुड, नाइस. चलिए लेट्स स्टार्ट. कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन. यस बच्चे, मुझसे भी एक स्टूडेंट ने पूछा, दिव्या ने पूछा है कि मैम मैं नेक्स्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ बुक से. यस, व्हाई नॉट, डेफिनेटली यू कैन आस्क.
ठीक है. सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव मींस क्या होता है बच्चे? कलेक्शन. कलेक्टिव मींस क्या है? कलेक्शन. कलेक्शन किसकी? ठीक है, बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे थिंग्स को हम इकट्ठा करते हैं, उनकी कलेक्शन करते हैं और फिर हम उनको एक नाम दे देते हैं. राइट, फिर उनको क्या दे देते हैं? एक नाम दे देते हैं. तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कलेक्टिव नाउन. सिंपल. ठीक है. एंड एक चीज है, विल ऑलवेज कंसिडर एज वन यूनिट. जैसे कि अब हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे पे टीम्स बनती है, तो अगर 11 प्लेयर है तो उसकी एक टीम को हम एक ही कंसिडर करते हैं, सिंगुलर. सो वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विद कलेक्टिव नाउन, कीप इन माइंड. ठीक है, जैसे फैमिली होता है, फैमिली में जने तो बहुत होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी. ठीक है, बट हम कंसीडर तो एक ही परिवार करते हैं ना, फैमिली वन है ना. ये थोड़ी ना कहते 6 फैमिली है 7 फैमिली है 6 जने है, फैमिली एक होती है. करेक्ट. तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. हाँ, फैमिली के जगह पे, ठीक है, फैमिलीज आ जाता है तो आर हो जाएगा, क्योंकि फिर हम प्लूरल फैमिलीज की बात कर रहे हैं. राइट. पर कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग टेकन टुगेदर, उनको साथ लेके एक नाम दे देते हैं. एंड वी ऑलवेज कंसिडर देम वन यूनिट, एक नाम से. ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, नोट इट डाउन. विथ कलेक्टिव नाउन वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. विथ कलेक्टिव नाउन वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, करेक्ट. जब तक हम उसको एक को यूज कर रहे हैं, लाइक द फ्लॉक ऑफ गीस स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन द पास्चर. ठीक है, तो फ्लॉक ऑफ गीस क्या कलेक्टिव नाउन? द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड. क्राउड इटसेल्फ इज अ कलेक्टिव नाउन. अब एक पर्सन अपने आप को क्राउड थोड़ी कहेगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, झुंड बना, भीड़ हुई, तो हमने क्या बोला? क्राउड. ओके, लाइक आई सॉ अ फ्लीट ऑफ शीप इन द हार्बर, तो फ्लीट ऑफ शीप. ठीक है, और द स्टूडेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग इन द लाइन. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं हम? स्टैंडिंग इन द लाइन. तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन. जैसे अभी हमें बोला आर्मी, अब आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है बच्चे. एक पर्सन अपने आप को आर्मी थोड़ी बोलेगा, बहुत सारे सोल्जर्स मिले, आर्मी बनी, है ना. एक पर्सन मिलके फैमिली थोड़ी ना बोलेगा अपने आप को. अब आप खुद को बोल देगा, मैं मैडम मैं फैमिली हूँ. नहीं, मम्मी पापा भाई बहन सब चाहिए होते, तब जाके फैमिली बनती है. ठीक है, टीम कलेक्टिव नाउन है ना. जूरी कलेक्टिव नाउन है. जजेस के पैनल को जूरी जूरी बोल देते हैं, वो भी हमारा कलेक्टिव नाउन है. करेक्ट है ना. ओके, बंच ऑफ कीज, बंडल ऑफ हे, बंडल ऑफ बुक्स, ये हमारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है. करेक्ट. सो देयर आर सो मेनी कलेक्टिव नाउन्स. वेरी गुड, वेरी गुड दिव्या. ठीक है ना, तो बहुत से हमारे क्या है? कलेक्टिव नाउन रहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ. ओके, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट एज द नेम सजेस्टेड. बच्चे बताना चाहोगे पहले? अच्छा ठीक है, चलो मैं नहीं बता रही. आदिति आपने पहले बता दिया है. ओके, आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू दिव्या. ठीक है, चलो दिया दिया. मैम इट, मैम इट स्टैंड फॉर अ क्वालिटी. ओके, इट स्टैंड फॉर क्वालिटी. ठीक है मैम, लाइक. हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, क्वालिटी. ठीक है, कुछ और बताना चाहोगे इसके बारे में? मैम लाइक ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल. एंड ब्यूटी इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. गुड गुड. एंड आई वांट द डेफिनेशन. ब्रेवरी, यस राइट. मैम एवरी क्वालिटी, फीलिंग एंड एक्सप्रेशन आर मैम एक्स्ट्रा noun ma'am, like good. Beautiful, sad, hungry ma'am, everything that we face ma'am is called extra noun. Good, well done Diya and Aditi. Good, so dono ne bahut acche se explain kiya, very good.
सो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, पहली बात वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स दैट दोज थिंग विच डजंट एग्जिस्ट फिजिकली, विच डजंट हैव एनी फिजिकल अपियरेंस, उसका कोई फिजिकल अपियरेंस नहीं होता है, फिर वो क्या होती है? दोज थिंग्स विच एग्जिस्टेड इन आवर माइंड. ठीक है, जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है. फिजिकल उसकी कोई शेप नहीं होती. वी कांट सी द लव, कांट सी हेटर, वी कांट सी ऑनेस्टी, राइट? दोज थिंग्स विच डजंट एग्जिस्ट फिजिकली आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट माने सिर्फ जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है, जो कहीं पे फिजिकल उसका कोई शेप, साइज, कलर कुछ नहीं होता. तो फिर वो क्या हुई? हमारी क्वालिटीज हुई, है ना? ओके, हमारे वर्च्यूज हुए, हमारे एक्शंस हुए, हमारी स्टेज हुई. स्टेज मीन्स जैसे कि चाइल्डहुड एक स्टेज है. हम सब बोलते हैं हमारा बचपन बहुत अच्छा था. किसी ने देखा क्या कैसा था? किसी ने देखा? नो, वी जस्ट फेल्ट इट, राइट? हमने देखा नहीं, हमने फील किया, करेक्ट? और अगर हम बात करें लव की, नहीं देखा, कुछ एक्शन है. अच्छा, थेफ्ट देखा कभी? थीफ देखा? थेफ्ट देखा? चोरी कैसी होती है? किसे कहते हो चोरी? तुम कहां दिखती है? ओके, अभी सबके चेहरे पे है लाफ्टर. देखा है क्या कैसा दिखता है लाफ्टर? एक लिप्स के एंगल को हमने स्माइल बोल दिया. लाफ्टर देखा है? नो. सो दोस थिंग विच डजंट एग्जिस्ट फिजिकली आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये हमारी क्वालिटी होती है, हमारे एक्शंस होते हैं, हमारी स्टेज होती है, करेक्ट? उनको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यस दिया. Man, so words like brotherhood and motherhood will also be in the category of abstract noun. Yes, क्योंकि दिखता तो ये भी नहीं. मदर को देखते हैं, मदरहुड कहाँ दिखता है? नहीं ना. So this is also abstract noun, correct? So let's read the definition now. Okay, then we'll discuss some examples, correct? So abstract noun is a name, is a noun which name quality, action, virtue or state. ठीक है, which cannot be perceived through our five senses. जिनको ना हम देख सकते, five senses सबको पता है क्या होती है? जिनको ना देख सकते, ना सुन सकते, ना smell कर सकते, ना taste कर सकते, ना ही touch कर सकते. We have the five senses, जिनको हम इन चीजों से फील करते. अब जिनको हम हमारे five senses से perceive ही नहीं कर पा रहे, वो सब क्या है फिर? वो सब abstract noun है. Got it? Like, we all love honesty. हमें पता ही नहीं दिखती कैसी है. Honesty is abstract. We can see the honest person, but we can't see the honesty. ठीक है. शिवम wept in sorrow. Now, शिवम को सौरो हुआ, वो रोया सौरो में. सौरो कहाँ है, कैसा है, देखा? No. अब इसी के कॉन्ट्रारी अगर मैं हैप्पीनेस कहूं, दिखती है? नहीं. और एक और लिखती हूं, गुडनेस, दिखती है? नहीं. ठीक है, वी कैन सी द ऑनेस्ट पर्सन, बट कांट सी द ऑनेस्टी. गुड थिंग्स देख सकते, गुडनेस नहीं देख सकते. ठीक है, ओके. स्ट्रॉन्ग पर्सन को देख सकते हो, स्ट्रेंथ देख सकते हो? नो, एब्स्ट्रैक्ट है. क्रूअल पर्सन को देख सकते हो, क्रुएलिटी देख सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, आई लव टू रिमेम्बर the happy days of my childhood, adulthood, boyhood, manhood, motherhood, ठीक है, brotherhood, these all are stages, ठीक है, states है, illness, ठीक है, ill person को देखा but illness को नहीं देख पाए, abstract है. So anything,
that we can't see through our five senses, perceive through our five senses, are known as abstract noun. Now, the few points which you keep in mind, we are always going to use singular helping verb with abstract noun. क्यों? Reason कि इनको तो हम count ही नहीं कर सकते. Sorry, singular helping verb लिखना था. ठीक है? Because you can't count love, you can't count hatred, you can't count honesty, you can't count laughter, sorrow, happiness, goodness, anything. आप इनको count नहीं कर सकते. So you are going to use singular helping verb with them. Correct? Abstract nouns are uncountable. इनको आप count नहीं कर सकते. So आप इनके साथ singular helping verb use करोगे and no article is used. कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे इसके साथ. ठीक है? आर्टिकल मीन्स ए एन द, बिल्कुल नहीं यूज करोगे. करेक्ट है? नोट इट डाउन. यस, वी कांट सी इंटेलिजेंस. यस दक्ष, व्हाट्स योर क्वेश्चन नाउ? एज यू कैन से, एज यू से बेटा, यस पॉवर्टी नहीं देख सकते, सैडनेस नहीं देख सकते. जैसे अभी दक्ष ने कहा कि मैडम हम फीलिंग्स नहीं देख सकते, तो यस फीलिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउ. सो उनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एंड एग्जाम में गलती से उसके आगे ब्रैकेट डैश आ जाए फॉर द आर्टिकल, तो आप बिल्कुल भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. यू आर नॉट अलाउड टू यूज आर्टिकल देयर. करेक्ट? क्लियर है? ओके, आज हमने चार किए हैं, चारों क्लियर है. कोई डाउट है तो पूछो. समझ आ गया सबको? यस दक्ष, अदिति, लक्ष्य, परिकात, दिया, समझ आ गया? देन थम्स अप दिखाने का जीएसटी कट रहा है. वेलकम दिया, बाय बेटा, टेक केयर, हैव अ गुड डे. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.